तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा, हैं ये कैसे हो गया भाई। जी हां गाइस, मैं आप लोगों को सिचुएशन बताता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली शायद आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में वीडियोस वगैरह बनाना है, उससे पैसे कमाने हैं, तो हर प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे यूट्यूब का होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ट्विटर का भी होता है कि इतने इंप्रेशंस के बाद ही आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा, फेसबुक में भी होता है, वैसे ही ट्विच में भी एक पार्टनर प्रोग्राम होता है। तो हुआ क्या कि ट्विच के सीईओ है डैनियल क्लैंसी, वो भी एक स्ट्रीमर है, वो ट्विच में रेगुलरली स्ट्रीम्स वगैरह करते रहते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक शॉकिंग चीज पोस्ट करके दिखाया कि वो पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए थे ट्विच में, एंड उन्हीं के अकाउंट को ट्विच से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वो बाकी क्रिएटर्स को मोटिवेट करते हुए बोले कि फॉर एनीवन दैट गॉट डिनाइड बीइंग अ पार्टनर फ्रॉम ट्विच, डोंट फील सो बैड, जस्ट गॉट माय पार्टनर एप्लीकेशन डिनाइड। मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, सो आई होप आपको ये मोटिवेशनल लगे एंड आप लोग भी लगे रहो। काफी भयंकर सिचुएशन है यार ये, ट्विच ने अपने ही सीईओ को रिजेक्ट कर दिया। बट यार टॉकिंग अबाउट ट्विच सीईओ, तो उनका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। शायद आप लोगों को पता होगा कि ट्विच का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म है किक। तो एक स्ट्रीमर ऐसे ही जब किक में स्ट्रीम कर रहे थे, तब वो ट्विच के सीईओ को स्पॉट किए, एंड उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लो। हेलो हेलो, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, यू सीईओ डैन? I am. That's what they tell me. Twitch CEO, we're live. There we go. There we go. How y'all doing? I got some bad news. Or what? It's how you What's want bad news? We're live on Kick. Thoughts? Uh-oh. Hey, that's your choice. You know? Whatever you decide. तो लोगों को सीईओ का रिएक्शन काफी अच्छा लगा यार, उन्होंने क्लियरली बोला कि ये आपका चॉइस है, तो लोग उसके लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट खाली इस चीज के लिए उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। ट्विच प्लेटफॉर्म में कल एक बहुत बड़ा गाइडलाइन चेंज आया था जिसके थ्रू आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में स्ट्रीम कर सकते हो। पहले आप अगर ट्विच में स्ट्रीम कर रहे हो तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम नहीं कर पाते थे, वो अलाउड नहीं था। बट अब एज अ क्रिएटर आप ट्विच में दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ साथ भी स्ट्रीम कर सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एंड अमन गुप्ता के बोट कंपनी के बीच में थोड़ा सा सीन हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली इंस्टाग्राम में एक क्रिएटर ने ऐसे ही एक रील अपलोड किया था जहां पर दोस्त लोग बैठे हुए रहते हैं एंड गाना सुन रहे होते हैं। तो अचानक से एक दोस्त बोलता है कि भाई एल्विश यादव का नया गाना लगाना। तो दूसरा दोस्त क्या करता है कि वो बोट का स्पीकर को लेता है और उससे वो फेंकने लगता है और तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मतलब कि यहां पर थोड़ा सा काइंड ऑफ एल्विश यादव के सॉन्ग का मजाक उड़ाया जा रहा था। बट उस क्रिएटर ने पिंड कमेंट में बोट को अप्रिशिएट करते हुए बोला था कि भाई स्पीकर लेना है तो बोट का ही लेना, अमेजिंग क्वालिटी है, वो टूटा नहीं। जिसको देखकर बोट को अच्छा लगा, तो वो अप्रिशिएट करते हुए ये वाले इमोजीज डाले। बट ऑन द अदर हैंड एल्विश को ये चीज अच्छा नहीं लगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल कंपनी आप किसी क्रिएटर के अगेंस्ट वाले वीडियो में कैसे ऐसा कमेंट कर सकते हो। तो उनके तरफ से एक ट्वीट आया कि कैसे आप पर्सनल मॉकरी कर सकते हो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपोलॉजी आपको देना चाहिए, नहीं तो मैं पर्सनली अपने एल्विश आर्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमन गुप्ता बोट के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। सो या इसके बाद काफी ज्यादा हेट मिलने लगा बोट को। तो फाइनली इस चीज के ऊपर वो ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते हुए ये स्टेटमेंट रिलीज किए कि वी वांट टू क्लैरिफाई कि वो वीडियो हमारे तरफ से कमीशन्ड नहीं था जो वो इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया गया था, एंड हम लोग ऐसे कंटेंट में इंडल्ज नहीं करते जिससे कि दूसरे क्रिएटर या फिर आर्टिस्ट को नीचा दिखाया जा रहा हो। हम लोग सभी कंटेंट क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एल्विश यादव। तो इस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव की तरफ से एक ट्वीट आया कि मैं आपके क्लैरिफिकेशन को अप्रिशिएट करता हूं, इवन दो आई एम अवेयर द वीडियो वॉज कमीशन्ड बाय द कंपनी, इट टेक्स करेज टू एडमिट मिस्टेक्स एंड आई रिस्पेक्ट दैट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड पॉजिटिविटी एंड रिस्पेक्ट प्रमोट करते हैं। बट यार टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो क्या थारा भाई जोगिंदर ने एल्विश यादव को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, एल्विश यादव के लेटेस्ट व्लॉग में वो रोडीज के कंटेस्टेंट से मिले थे। तो उस रोडीज के कंटेस्टेंट ने कुछ रिवील करके बताया कि थारा भाई जोगिंदर एल्विश के बारे में क्या बोले। आप खुद देख लीजिए उनके तरफ से क्या रिएक्शन आया। तो ये बोलता था कि एल्विश भाई वैसे दुश्मनी नहीं है हमारी। अच्छा, तो ऐसे कॉल पे बात करे, तू वीडियो बना, मैं तेरे को रोस्ट करूं। अबे जोगिंदर, मतलब पहले कैसे लगा हम पे यार भाई, जोगिंदर तूने लीक कर दिया यार, उल्टा मैं कुड़ू पूरा लीक कर दिया भाई, मैं तो बटा उल्टा कुड़ूगा हमारा, उठेगा पहले से पता था, बट आज तुमने कंफर्म कर दिया कि जोगिंदर बहुत डरपोक है। मैं कह रहा हूं भाई को धमकी भी तो आएगी, अब धमकी भी तो आएगी तुम्हारे ऊपर, रोस्ट वीडियो आएगी। ए पंटा, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और हाँ तो मेरे प्रोडक्शन अंदर आ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी का सॉन्ग आने वाला है एंड इट इज कंफर्म। जी हाँ, खुद फुकरा इंसान इस चीज के बारे में बात करते हुए अपने लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में ये बोले, अभिषा एफ टी, व्हाई डू यू वरी, देयर विल बी अ सॉन्ग, ऑब्वियसली देयर वाज सपोज्ड टू बी अ सॉन्ग मच बिफोर देन दिस, बट हमारी मैनेजमेंट्स की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई
हुई, हमारे बीच में कभी नहीं हुई, ये मत सोचना, मतलब म्यूजिक वीडियो पहले नहीं आ पाई। बट वो कहते हैं सबर का फल हमेशा मीठा होता है, उधर से भी इशू हुआ, इधर से भी इशू हुआ, फिर हमने अपने म्यूचुअल टर्म्स पे मैनेजमेंट को हटा के सीधा बात करी, मैनेजमेंट को नहीं लानी बीच में, तू और मैं बात करेंगे, जो तेरे को गाना पसंद आएगा वो कर लेना यार, ब्रिंगिंग अ गुड सॉन्ग, लेट अस मेक दैट सॉन्ग, इट विल कम गाइस, इट विल कम, दोस्ती करिए, दिल से निभाएंगे यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में, जिसके वजह से दो प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया कॉलेज से। जहाँ गाइस गाजियाबाद कॉलेज से कल एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा था, जहाँ पर एक स्टूडेंट स्टेज में चढ़कर जय श्री राम बोल दिया था, और ये स्लोगन को सुनकर प्रोफेसर आई एंड वो स्टूडेंट को स्टेज से हटा दी कि जाओ ये सब अलाउड नहीं है करना। पहले आप छोटा सा क्लिप देख लो इंसिडेंट का। जय श्री राम भाई। मैम उस स्लोगन अपने आप से नहीं चालू, आपने बोला था मैम, ना नहीं है उस स्लोगन सबने अपने आप एंड यार आज इस इंसिडेंट से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि जो दो प्रोफेसर आकर वो स्टूडेंट को रोकी थी एंड उनको हटा दी थी स्टेज से, उनको एक्सपेल दैट इज सस्पेंड कर दिया गया है बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ के गणपत मूवी के बारे में। तो क्या गणपत मूवी सुपर फ्लॉप होने वाली है? वेल गाइस रिव्यूज तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ के बता ही दिया था, काफी खराब रिव्यूज आ रहे हैं। बट चलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी देख लेते हैं। तो डे वन में इनका नेट कलेक्शंस रहा था 2.5 करोड़, और डे टू में उससे भी कम 2.25 करोड़। भाई साहब काफी खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रह रहा है इस मूवी का, इतना खराब कि टाइगर श्रॉफ का ये लोएस्ट करियर ओपनिंग है। प्रीवियस लोएस्ट उनका था 6.5 करोड़ फॉर हीरोपंती 2, अब 2.5 करोड़ हो गया यार गणपत के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट खली एंड केन विलियमसन के बारे में। तो न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले वो ग्रेट खली से मिले थे, बट मिलने के बाद एक मैच के दौरान उनके थंब में इंजरी आ गया, जिस इंजरी के वजह से अब वो वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेल पा रहे। तो वो ऐसे ये सिचुएशन से रिलेटेड थोड़ा मजाक करते हुए एक पोस्ट किए, व्हेन आई रियली फ्रैक्चर्ड माय थंब, नाह बट सीरियसली दैट्स वन स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, प्लेजर टू मीट द ग्रेट खली। मतलब कि भाई वो मजाक में बोल रहे कि ग्रेट खली के साथ हैंडशेक करने से ही मेरा फ्रैक्चर हो गया था। एनीवेज तो चलिए अब एक बहुत ही सीरियस स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर एक पर्सन ने 30 लाख का स्कैम किया 10 लोगों के साथ। सो गाइस दिल्ली एनसीआर में एक वुमन ने डेटिंग ऐप का स्कैम कर दिया। तो भाई बताया जा रहा है कि वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू दोस्त बनाती थी 10 लड़कों को उन्होंने बनाया था, एंड जैसे ही वो लोग मिलते थे वो विक्टिम के ड्रिंक में कुछ डाल देती थी एंड उसके बाद वो चोरी करके निकल जाती थी। इसके थ्रू वो 30 लाख रुपए का स्कैम की थी, बट फाइनली शी गॉट कॉट। बच के रहना भाई, आप लोग भी डेटिंग एप्स पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे को तो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, जहां पर एक आदमी औरतों से डरता है। तो भाई रवांडा से एक पर्सन से रिलेटेड एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि 71 इयर्स के हैं एंड वो 55 साल से अकेले रह रहे वुमेन से दूर। बेसिकली इसका रीजन वो बताते हैं कि उनको एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जिससे कि उनको फीमेल से डर लगता है तो वो उनको पास भी आने नहीं देते। बट इस सिचुएशन का आयरनी यही है कि जो आसपास की वुमेन लोकैलिटी में रहती है वही उनका हेल्प करती है, वो अंदर उनसे मिलने तो नहीं जाती है, बट जो भी उनको ग्रोसरी या सामान देना होता है वो बाहर से फेंक देते हैं एंड वो ले लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यश के बारे में। तो एक्टर यश ने रामायण मूवी के लिए कितना चार्ज किया, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि रणबीर कपूर का एक रामायण मूवी आने वाला है एंड उसमें रावण बनने वाले हैं यश। तो उसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि वो 150 करोड़ चार्ज कर रहे हैं इसके लिए। बोला जा रहा है कि उनका ये मूवी में कम्प्लीटली डिफरेंट लुक होगा एंड वो ऑलरेडी अपने बॉडी एंड फिजिक के ऊपर काम करना चालू कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्वीन 2 मूवी के बारे में। तो भाई कंगना रनौत का क्वीन मूवी आप लोग जानते होंगे, इट वॉज अ ह्यूज हिट। तो क्या इसका पार्ट 2 आ सकता है? वेल इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला था कि उनको पार्ट 2 बनाना है एंड ही इज रियली एक्साइटेड, उनको बहुत मन है। तो इस रिपोर्ट को रिपोस्ट करते हुए कंगना रनौत भी कही थी यस ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरी। तो हो सकता है ये लोग दोनों का मीटिंग हो एंड वो लोग पार्ट 2 के ऊपर काम कर सकते हैं। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंस लेयर ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन सेनपाई एक्स्ट्राज ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन सौरभ जोशी व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली मिस्टर गेमटी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।